हाय गाइस, दिस इज गोइंग टू बी टॉट लॉ इंपॉर्टेंट केसेस क्लास 4। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं, चौथी क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम कृति भनागर है, मैंने अपना BLLB NLIE भोपाल से कर रखा है। मेरी ऑल इंडिया रैंक वाज 339। जब मैंने क्लैट UG का एग्जामिनेशन दिया था, फिर मैंने क्लैट PG का एग्जामिनेशन दिया था, फिर मैंने GLNU गुजरात से अपना LLM किया है। मेरी ऑल इंडिया रैंक वाज 425। मैं एक प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और मैंने UGC नेट भी क्लियर कर रखा है। लॉ समर कैंप 2 डेज एक्स्ट्रा वैकेंसी इंटर स्कूल लर्निंग एंड फन May 27th and 28th को दिल्ली में होने वाला है। Day 1 DVST गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में हुआ है। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसे स्कैन कर सकते हो। और Day 2 इज अन अकेडमी एक्सपीरियंस स्टोर दिल्ली में। फिजिकल नोट्स प्लस सब्सक्रिप्शन के आपको मिल सकते हैं। अगर May 23 से May 27 के बीच में आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो 6 मंथ्स एंड अबव का, वैसे फिजिकल नोट सिर्फ आइकॉनिक के लिए अवेलेबल है, बट अगर आप 6 मंथ्स एंड अबव का प्लस सब्सक्रिप्शन May 23 से 27 के बीच में लोगे तो आपको मिल जाएगा फिजिकल नोट्स भी। आप कृति भी कोड यूज कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए अपने अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे। 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन ₹5,000 में अवेलेबल है। 30 डेडिकेटेड रिविजन आवर्स हैं, 3 प्रैक्टिस AIMT है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हो। इसमें आप कोड यूज कर सकते हो कृति भी, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड मीन अ लॉट टू मी कि आपने मेरा कोड यूज किया। क्लैट का प्लस सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है और आइकॉनिक भी अवेलेबल है। प्लस में आपको मिल जाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस। आइकॉनिक में ये सब तो मिलता ही मिलता है। इसके साथ आपको मिलती है 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, रेज हैंड में प्रायोरिटी मिलती है क्लासेस में। अनअकैडमी का अगर आप इनसे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो जितने भी बैचेस अनअकैडमी पे अवेलेबल है सारे आप एक्सेस कर सकते हो। NLU स्टीम रिविजन बैच है क्लैट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। NLU एलुमनाई के द्वारा May 20 को शुरू हो रहा है, तो आप इनसे कोई भी इसमें एनरोल चाहे इसमें एनरोल कर सकते हैं। NLU रोड मैप एक्सेलेंस बैच है क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। May 20 को शुरू हो रहा है, तो आप इसको भी इसमें एनरोल कर चाहे इसमें भी एनरोल कर सकता है। मिशन NLU एक्सेलेंस बैच है क्लैट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। May 25 को शुरू हो रहा है, तो आप इसको भी इसमें एनरोल कर चाहे इसमें भी एनरोल कर सकता है। करंट अफेयर्स मैराथन स्पेशल क्लास सीरीज है ताकि आप अपडेटेड रह सके सारे के सारी चीज़ों से। तो राघवेंद्र सर की क्लास May 26 को है आप अटेंड करना चाहें, तो दिव्य सर की क्लास May 27 को है आप अटेंड करना चाहें। तो स्पेशल क्लास के न्यूबल फीचर्स हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं, पोस्ट होते हैं, रेज हैंड कर सकते हो, नेम्स क्लास नोट्स में जाएंगे, कहीं से कहीं पर भी क्लास को एक्सेस कर सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद थॉट लॉ इंपॉर्टेंट केसेस 4th पार्ट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का क्या मतलब होता है गाइस, आप लोगों को पता ही होगा, मैं इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है वॉलंटरीली विदाउट इंजरी, वॉलंटरीली टेकिंग रिस्क, सॉरी मैं डैमनम साइन इंजूरिया पहुंच गई, सॉरी। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है वॉलंटरीली गेटिंग इंजर्ड बिकॉज यू टुक अ रिस्क सो द अदर पर्सन विल नॉट बी लायबल। अगर आप कोई भी इंजरी रिस्क करते हो सामने वाले पर्सन की वजह से और आपको पता है, आपने कंसेंट दे दिए कि हाँ आपको वो रिस्क, आपको वो चोट लग सकती है, तो अगर आपको वो चोट लग जाती है तो आप डिफेंडेंट पे केस नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, धोनी ने मारा है सिक्सर, सीधा आके आपके सर पे लगा, आपका सर फट गया दोस्तों, और आपको लगा है बहुत पैसा उसको ठीक कराने के लिए, तो उस केस में आप धोनी के ऊपर केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कंसेंट दी थी कि आपको चोट लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट केस है विच इज स्मिथ वर्सेस बेकर। इस केस में क्या होता है कि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट ने रखा था कुछ ड्रिल करने के लिए, एक रॉक को कट करने के लिए। अब क्या होता है कि उसके सर के ऊपर से क्रेन से पत्थर इधर उधर जा रहे थे, एक आदमी पत्थर काट रहा है, उसके सर के ऊपर से पत्थर इधर उधर जा रहे हैं, तो पत्थर जो है उसके सर पे आके आ पड़ता है और उसको चोट लग जाती है। तो इस केस में तो कोर्ट ने ये बोला था कि डिफेंडेंट यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को नहीं ले सकता। डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया विल नॉट बी एप्लीकेबल। वाई? क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ को बताया नहीं गया था कि इस प्रकार का डेंजर है कि तुम्हारे सर के ऊपर से पत्थर जाते रहेंगे आते रहेंगे, और यहाँ पे अगर उसको अवेयर भी होता कि डेंजर है तो उसने रिस्क के लिए कंसेंट नहीं दी कि हाँ ठीक है आओ मुझे मार दो। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज उसको पता था कि उसको क्या कहते हैं, वो कंटिन्यू भी कर रहा था अपने वर्क को कि हाँ मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं, तो उसकी कंसेंट नहीं थी, तो डिफेंडेंट विल बी लायबल। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया में 2 चीज़ें चाहिए होती है, मैंने आपको बता रखा है, एक है नॉलेज एंड सेकेंड इज कंसेंट। जब तक दोनों चीज़ें नहीं होती तब तक वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। सेकेंड इज गोइंग टू बी हेन्स वर्सेज हार्वर्ड। इस केस में क्वेश्चन ये उठता था कि क्या डिफेंडेंट लायबल होगा प्लेंटिफ को जो कि एक पुलिस मैन है वाइल रेस्क्यूइंग अ वुमन। अब क्या होता है, एक आदमी ने अपना ये घोड़ा है, ठीक है, दिस इज अ हॉर्स, एक आदमी ने ये जो हॉर्स है इसको रोड पे ऐसे ही छोड़ दिया नेग्लिजेंटली, कुछ बच्चों ने आके इस हॉर्स को पत्थर मारा जिसकी वजह से हॉर्स जो है बहुत ज़्यादा अनईजी हो गया और हॉर्स भागने लग गया इधर उधर।
अब क्या होता है, यहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई थी, वो लेडी को बचाने के लिए एक पुलिस मैन आता है, ठीक है, कि अरे ये जो हॉर्स है ये इधर उधर घूम रहा है, लेडी को चोट लग जाएगी। तो लेडी को बचाने के चक्कर में पुलिस मैन को चोट लग जाती है, तो यहाँ पे जो ये हॉर्स का ओनर था उसके अगेंस्ट पुलिस मैन केस करता है कॉम्पेंसेशन का। तो यहाँ पे ओनर ये कहता है कि भाई मैं लायबल नहीं होऊंगा क्योंकि तुमने अपनी कंसेंट दी थी, तुम खुद रेस्क्यू करने आए थे, तो तुम्हें पता था हॉर्स से चोट लग जाएगी, अब तुम्हें चोट लग गई है तो मैं उसके लिए कॉम्पेंसेशन नहीं दूंगा। तो कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि अगर रेस्क्यू केस होता है तो रेस्क्यू केस इज एन एक्सेप्शन टू वॉलंटरी नॉनफिट इंजूरिया, फिर आप वॉलंटरी नॉनफिट इंजूरिया का एक्सेप्शन नहीं ले सकते और आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओनर को कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करना पड़ा था पुलिसमैन को बिकॉज इट वॉज अ रेस्क्यू केस, ठीक है, रेस्क्यू केस वॉलंटरी नॉनफिट इंजूरिया का एक्सेप्शन है, मतलब फिर रेस्क्यू केस में डिफेंडेंट को डिफेंस नहीं मिलता है, डिफेंडेंट लायबल होता है, ठीक है। सो वॉलंटरी नॉनफिट इंजूरिया डज नॉट अप्लाई टू रेस्क्यू केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑल्सो, सिमिलर फैक्ट्स आ जाते हैं क्लैट में, तो ये आप जरूर से ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑल राइट गाइज, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, क्लास को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड चाचा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।